दोस्तों जीरो फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है। आप रेड चिली एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर लॉगिन होकर इस फिल्म के ट्रेलर को देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक शादी फिक्स करने वाले के यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, जहाँ पे शाहरुख खान जाते हैं अपनी शादी की बात करने की उनके लिए कोई लड़की उसने ढूंढ के रखी है या नहीं। तो वो शादी फिक्स करने वाला ये बोलता है कि शायद आपके लिए कोई लड़की इस पूरे एशिया में है ही नहीं। लेकिन शाहरुख सर वहीं पर एक लड़की का फोटो देखते हैं और उस फोटो के पीछे यानी कि उस लड़की के पीछे चले जाते हैं कि वो लड़की कहाँ की है और उसके पीछे पड़ जाते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ देर बाद ये सीन में दिखाया जाता है कि लड़की जो है सो पैरालाइज है यानी कि विकलांग है। वहीं दोस्तों जब शाहरुख सर जाते हैं तो बहुत मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि व्हील चेयर देख लेनी चाहिए। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस व्हील चेयर लड़की का किरदार खुद अनुष्का शर्मा निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक विकलांग का किरदार अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों जब शाहरुख सर उसे प्रपोज करने जाते हैं तो उसे प्रपोज तो कर देते हैं लेकिन वो लड़की जो है इनका मजाक उड़ाती है, तुम उससे शादी करोगे ऐसा बोलती है और हंसने लगती है। वैसे ही दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख सर जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया जाता है, यानी कि इनका घर में भी खूब इनके आनाकानी होती है, इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है बल्कि इनके घर में इन्हें बहुत डांटा जाता है। वहीं दोस्तों शाहरुख सर बहुत बार बार कोशिश करते हैं कि अनुष्का शर्मा उनसे पट जाए, वहीं दोस्तों लास्ट तक वो पटा ही लेते हैं अनुष्का शर्मा को इस फिल्म के किरदार में। इस फिल्म की कहानी में जब अनुष्का शर्मा बउआ जी से शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं तब इस फिल्म की कहानी में एक और फीमेल लीड कास्ट की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, कटरीना कैफ इस फिल्म में एंट्री लेती हैं। तो कटरीना कैफ इस फिल्म के अंदर एक सेलिब्रिटीज़ का किरदार अदा करती हैं। वहीं दोस्तों जब कटरीना कैफ का शाहरुख सर के साथ दोस्ती हो जाता है तो इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ आने लगती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच फिर से दूरियाँ पैदा हो जाती हैं और फिर कटरीना कैफ खुद शाहरुख सर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और उनसे दूर चली जाती है। वैसे दोस्तों जैसा कहा गया था, इनके बड़े बड़े रिव्यूअर ने ये कहा था कि इस फिल्म की कहानी के अंदर काफ़ी इमोशंस हैं। और वैसे दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को आप रेड चिली एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर लॉग इन होकर इस फिल्म के ट्रेलर को देखिएगा तो आपको इस फिल्म के अंदर काफ़ी इमोशंस भी दिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको भावुक बना देगी। वैसे दोस्तों इस फिल्म की कहानी के अंदर आपको बउआ जी यानी कि कटरीना कैफ और बउआ जी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बाद में आपको दिखेगा कि कटरीना कैफ ने बउआ जी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस बारे में काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब इस फिल्म की पूरी कहानी हम अच्छे से देख पाएंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी। दोस्तों आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2018 को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। वैसे दोस्तों इस फिल्म को ये ट्रेलर को देखने के बाद लगता है कि ये मूवी जो है पूरा पैसा वसूल मूवी है। आपने अगर इस फिल्म के ट्रेलर को देख लिया है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिख भेजें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। Subscribe my channel and press the bell icon.